के बारे में पढ़ना शुरू किया है। तो रेट्रोफिटिंग के बारे में मैंने बता दिया आपको कि रेट्रोफिटिंग क्यों आवश्यक है, कब करते हैं और कैसे करते हैं। रेट्रोफिटिंग में सामान्यतया रेफ्रिजरेंट को चेंज करने के लिए हम पूरा का पूरे सिस्टम में जो बदलाव हो सकता था वो करते हैं। अब रेफ्रिजरेंट जो पहले सीएफसी थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, उनको बदला जाने लगा। क्यों जाने लगा बदला? क्योंकि वो पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। लेकिन अब जो नए रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, तो वो जो हाइड्रोकार्बन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके क्या गुण हैं, किन गुणों की वजह से उनको अब इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं यहां पर ये लिखता हूं कि हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंटरों के गुण, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंटों के गुण, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंटों के गुणधर्म, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे गुण होंगे जिनकी वजह से इनको इस्तेमाल किया जाएगा एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो इनमें प्रमुख गुणों में से सबसे पहला गुण तो आता है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होते, यानी कि ओजोन परत जो होती है, जिसको सबसे ज्यादा खतरा होता था सीएफसी से, वो ओजोन परत पर, ओजोन परत को ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। येलो वाइट की दीवार क्या करेंगे, ये ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, क्यों नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो ना तो इसमें क्लोरीन है ना फ्लोरीन है, तो इनमें क्लोरीन व फ्लोरीन के अणु नहीं पाए जाते, इनमें क्लोरीन व फ्लोरीन के अणु नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इनके एक और दूसरी बात है, इनके गुणधर्मों में बात करूं तो ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। इनका इस्तेमाल इस प्रकार से रोका जाता है क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। कंपनियों ने देखा कि यार रेफ्रिजरेटर को सामान्यतया लोग किचन में रखते हैं, यानी कि जो रसोई घर होता है वहां पर रखते हैं, और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है, अगर उसको हम हाइड्रोकार्बन कर लेंगे तो हाइड्रोकार्बन का जो रिसाव होगा वो यहां पर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये ज्वलनशील है और किचन में हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा, जैसे मान लो आप गैस से खाना बना रहे हैं, हीटर से बना रहे हैं, जहां पर टेम्परेचर अधिक होता है और आग की लगने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। देखो इनके अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल शून्य होता है, ओडीपी जिसको बोलते हैं, यह ग्लोबल वार्मिंग को देखो ओजोन को तो डिप्लीट नहीं करते, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जरूर होते हैं, उत्तरदायी होते हैं।
यह रेफ्रिजरेंट जहरीले नहीं होते, यह रेफ्रिजरेंट जहरीले नहीं होते। यह मुख्यतः व्यावसायिक रेफ्रिजरेटर, जो बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं जिनको व्यवसायों में यूज किया जाता है, व्यावसायिक रेफ्रिजरेटर मुख्यतः व्यावसायिक रेफ्रिजरेटर, चिल कैबिनेट, जब हम कोल्ड स्टोरेज आदि में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई दोस्तों RAC के बारे में। सर भैया ALP की कोई वैकेंसी आ रही है? गोवर्धन, गुड मॉर्निंग गोवर्धन। श्याम पाल जी गुड मॉर्निंग। मनीष कुमावत जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखो, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंटों के गुणधर्म मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं थर्मल इंसुलेशन के बारे में। किसके बारे में? थर्मल इंसुलेशन। तो थर्मल इंसुलेशन जो है, नाम से ही आपको समझ में आ रखा होगा, थर्मल का मतलब क्या होता है? ऊष्मा के बारे में बात चल रही है। और इंसुलेशन का मतलब होता है, मैं भी आपको बताता हूं, थर्मल इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब होता है कि इस प्रकार से कुछ प्रोटेक्टिंग चीज लगाना जो ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकता हो। क्या? ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकता हो। तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, थर्मल का मतलब होगा TH ER ML, का मतलब होता है थर्मल का मतलब ऊष्मा, ठीक है ना, ऊष्मा। और ये इंसुलेशन का मतलब होता है ऊष्मा का मतलब स्थानांतरण को रोकना, को रोकना, ठीक है। यानी थर्मल इंसुलेशन मतलब ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकना ही क्या कहलाएगा? थर्मल इंसुलेशन कहलाएगा दोस्तों, थर्मल इंसुलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो, अब ये जो थर्मल इंसुलेशन वाला सीन है, क्या है थर्मल इंसुलेशन वाला जो सीन है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोगों ने रेफ्रिजरेट, अच्छा आप ये बताएं चैट में, ये बताना सब लोग कि आप लोगों के किस किस के घर में रेफ्रिजरेटर है, किस किस के घर में रेफ्रिजरेटर है, फटाफट से बताओ। जिस जिसके घर में रेफ्रिजरेटर है ना, बहुत काम की बात बताने वाला हूं मैं कि थर्मल इंसुलेशन क्यों होता है। थर्मल इंसुलेशन जो है भाई, आपका रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के पीछे बहुत सारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, लेकिन ये इतनी जगह जो है, जहां पर यहां पर आपने दरवाजा लगा रखा है, ठीक है ना, ये इसके डोर्स है, ये मेन छोटा वो फ्रीजर हो जाएगा, ये बड़ा डोर है, ये बड़ा डोर है, यहां पर क्या है वो सब्जी भाजी रखने का है, ठीक है ना। तो ये पूरा फ्रिज है। अब इस फ्रिज के आसपास, ये पूरे रेफ्रिजरेटर जो है, इस फ्रिज के आसपास एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि वो जो सिस्टम है, जैसे कंप्रेसर है, और जो उसके बाद एक्सपेंशन वॉल्व है, कंडेंसर है, ये सब को क्या करना होगा, इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस से अलग रखना होगा। नहीं रखना होगा कि नहीं तो कंप्रेसर धक 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 धुआं दे रहा है, गर्मी उत्पन्न कर रहा है, तो वो कंप्रेसर तो उल्टा गर्म कर देगा इसको। अंदर अगर कंप्रेसर चल रहा है तो वो तो उल्टा गर्म कर देगा, हमें तो ठंडा करना है,
ठीक है, श्रवण कुमार के पास है। ओके, तो हमें तो ठंडा करना है, तो हम क्या करेंगे इस विषय में भाई, हमें इसको गर्म ना हो, ये बाहर के वातावरण की ऊष्मा इसके अंदर ना आए, बाहर के वातावरण की ऊष्मा इसके अंदर ना आए, इसलिए हम क्या करेंगे इसको इंसुलेट करेंगे, यानी बाहर की ऊष्मा को हम क्या करेंगे, बाहर की जो ऊष्मा है, बाहर की ऊष्मा उसको इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जाने से हम रोक देंगे, क्या कर देंगे, रोक देंगे, क्रॉस रोक देंगे, ये ऊष्मा हम अंदर जाने ही नहीं देंगे। और ये रोकेगा कौन, ये रोकेगा इसके आसपास लगा हुआ इंसुलेटिंग मटीरियल, कौन, इंसुलेटिंग मटीरियल। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रक्रिया होती है इसको ऊष्मा को रोकने के लिए इंसुलेटिंग मटीरियल लगाने की, यानी इंसुलेटिंग पदार्थ लगाने की, इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं थर्मल इंसुलेशन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को हम दोस्तों, थर्मल इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, क्लियर है ना इतनी बात, इसको हम बोलते हैं थर्मल इंसुलेशन। अब इसके विषय में हम कुछ थ्योरेटिकल बातें लिख लेते हैं, कुछ थ्योरी इसके विषय में लिख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, डायग्राम से समझा दिया। ठीक है, यहां पर लिखेंगे थ्योरी रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ऊष्मा के स्थानांतरण, ऊष्मा के स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर जाना स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, स्थानांतरण को कम करना कम करने वाले पदार्थ, यहां पर पदार्थों की बात चल रही, कम करने वाले पदार्थ, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, पदार्थ थर्मल इंसुलेशन कहलाते हैं। इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर कहलाते हैं। तथा यह प्रक्रिया थर्मल इंसुलेशन कहलाती है, यह प्रक्रिया थर्मल इंसुलेशन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया थर्मल इंसुलेशन क्या होता है भाई। थर्मल इंसुलेशन का मतलब है कि बाहर की ऊष्मा बिल्कुल भी आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर एंट्री नहीं मारनी चाहिए। अगर बाहर की ऊष्मा ने रेफ्रिजरेटर के अंदर एंट्री मारी तो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर ऊष्मा बढ़ जाएगी, और ऊष्मा बढ़ जाएगी तो रेफ्रिजरेशन का लोड बढ़ जाएगा और कंप्रेसर धाएं 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 चलने लगेगा, और जब कंप्रेसर उसको ठंडा करने के लिए धाएं धाएं चलने लगेगा तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है मीटर, वो भी धाएं 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 चलने लगेगा, और जब मीटर धाएं धाएं चलने लगेगा तो तुम्हारा धुआं निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि जब बिल आएगा तो पता चल जाएगा, तो तुम्हारा धुआं फिर निकल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं जाने देना। इसीलिए तो तुम लोगों को बार बार बोला जाता है कि यार फ्रिज का गेट बार बार मत खोलो, जो निकालना है एक बार में निकाल लो। बार बार गेट खोलोगे तो क्या होगा, बाहर की ऊष्मा अंदर जाएगी, और गेट लगाने से क्या होगा, गेट के ऊपर ऐसा मटेरियल लगा हुआ है जो बाहर की ऊष्मा को अंदर जाने से रोकता है, और उस मटेरियल को बोलते हैं हम इंसुलेटिंग मटेरियल या थर्मल इंसुलेटर। समझ में आई बात, क्लियर है सबको, यस सर करो भाई चैट में। आप तो जानते हैं
कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, ऊष्मा स्थानांतरण प्राय अधिक तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है, अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। क्योंकि ऊष्मा जो है वो, जैसे मान लो हम बात करते हैं ऊष्मा की, तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में आपकी चाय जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। उसका कारण क्या है? चाय के अंदर अधिक तापमान है और बाहर के वातावरण का तापमान कम है, तो चाय के अंदर से ऊष्मा, क्योंकि मैंने बोला अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ, तो चाय के अंदर की ऊष्मा किधर आ जाएगी? किधर आ जाएगी? वो वातावरण में आ जाएगी, क्योंकि तापमान कम है। और जैसे उसकी ऊष्मा वातावरण में आएगी, उसके अंदर ऊष्मा कम होगी, उसका तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, यानी चाय सर्दियों में जल्दी ठंडी हो जाएगी। लेकिन हम अब एक केस लेते हैं, आपने देखा होगा टंकी का पानी गर्मी के दिनों में कितना गर्म रहता है, कितना गर्म रहता है टंकी का पानी जो जिससे नहाते हैं, बहुत गर्म हो जाता है। क्यों होता है? उसका कारण है क्योंकि टंकी के पानी का तापमान होता है कम और बाहर के वातावरण का तापमान होता है ज्यादा। तो क्या होता है? बाहर के वातावरण का तापमान ज्यादा, यानी वातावरण की ऊष्मा उस टंकी के पानी में आ जाएगी, और जैसे टंकी के पानी में ऊष्मा आएगी, यानी उसके अंदर की ऊष्मा बढ़ रही है, तो जैसे उसके अंदर ऊष्मा बढ़ेगी, उसका तापमान भी बढ़ने लग जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? यानी तापमान का अंतर है, और तापमान अधिक है तो वो कम तापमान की तरफ अपनी ऊष्मा को प्रवाहित करेगा। ये बात है सिंपल सी, ठीक है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहां होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ठीक है। और इस ऊष्मा के स्थानांतरण को, और इस ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकने के लिए रेफ्रिजरेटेड स्पेस, एवं वातावरण के बीच इंसुलेटिंग पदार्थ की का कवर लगाना थर्मल इंसुलेशन कहलाता है, थर्मल इंसुलेशन, ठीक है ना? कैसे करेंगे? कहलाता है, ठीक है। ये है थर्मल इंसुलेशन। गुड मॉर्निंग गोस्वामी जी, पूजा गोस्वामी जी, मनीष कुमावत, गुड मॉर्निंग। अब क्या है भाई, देखो ये ऊष्मा का स्थानांतरण की बात है। अगर हम बात करें यार, छोटे कोई भी पात्र है, जैसे मान लो भगोनी है, भगोनी में आपने गरम करा दूध, दूध गरम करते हैं तो क्या होता है, जो ऊष्मा गैस से मिलती है उस ऊष्मा, वो ऊष्मा बर्तन पर जाती है। अब दूध तो बर्तन से, ऊष्मा के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, बर्तन के अंदर है, तो बाहरी बर्तन की बाहरी परत पर, मान लो बर्तन इतना मोटा है, ये इतना मोटा बर्तन है, ठीक है ना, ऐसे बना देता हूं मैं, इतना मोटा बर्तन है और यहां पर दूध रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर जल रहा है गैस। तो देखो ये जो ऊष्मा है डायरेक्ट दूध के कांटेक्ट में तो नहीं आ रही है, पर दूध गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ऊष्मा है
ये किसी ऐसे पदार्थ के कांटेक्ट में आ रही है जो ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकता है, समझ में आ रही है बात, जो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। तो उसने क्या किया, इस गैस से ऊष्मा ली और ऊष्मा लेने के बाद वो किस तक पहुंचा दी, दूध तक पहुंचा दी। लेकिन हमें तो ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकना है, यानी कि देखो पहले तो ये बता देता हूं कि जो ऊष्मा स्थानांतरण कर पाने की क्षमता होती है ना, इस क्षमता को बोलते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम, थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मीय चालकता, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊष्मीय चालकता और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर हमें दूध गर्म करना है तो ऐसे बर्तन का ऊष्मीय चालकता अधिक होनी चाहिए ताकि वो पूरी ऊष्मा को उधर ट्रांसफर कर दे। लेकिन अगर हमें ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकना है, यानी दोनों के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो, जैसे मान लो यहां पर भले हीटर चल रहा हो लेकिन इधर दूध पर आंच भी नहीं आए, गर्म भी नहीं हो, तो यानी बीच में ऐसा मटीरियल लगाना जो ऊष्मा की चालक, जो ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकता है, तो उसकी ऊष्मीय चालकता कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल कम, यानी वो ऊष्मा का स्थानांतरण करता ही ना हो। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो इंसुलेटिंग मटीरियल होते हैं जो ऊष्मा का प्रतिरोध करते हैं, उन मटीरियल यानी उन पदार्थों की ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है, उन पदार्थों की ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, जो पदार्थ थर्मल इंसुलेशन के लिए उपयोग लिए जाते हैं, उनकी ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है ना, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। अब यहां पर कुछ और बातें लिख लेते हैं। यहां पर लिखते हैं हम अच्छे थर्मल इंसुलेटर के गुण। भाई थर्मल इंसुलेटर के लिए जो हम पदार्थ का चयन करेंगे वो चयन किस प्रकार से करेंगे, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए, उन पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्त, पहला इसका पॉइंट लिखेंगे, यह पदार्थ ऊष्मा के मार्ग में अत्यधिक बाधा डालने वाला हो। ठीक है, अब ऊष्मा के मार्ग में बाधा डालने को हम यूं बोल सकते हैं कि ऊष्मा के स्थानांतरण को ये अनुमत नहीं करता हो। ठीक है ना, यह पदार्थ ऊष्मा की बहुत ही कम मात्रा
कम मात्रा को बहुत ही कम मात्रा को अपने अंदर से गुजरने देता हूं। ठीक है, आरजे चौधरी, अभी इसरो टेक का मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पेपर सॉल्व कराइए सर प्लीज। देखो अभी क्लास चल रही है, अभी जो चैप्टर चल रहा है उसको पढ़ाएंगे, आपके पेपर के लिए एक सेपरेट सेशन रख सकते हैं हम। ठीक है, दूसरी बात, इनमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया जब हम पढ़ रहे थे गुणधर्म पदार्थों के। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करें हम तो कैसी होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ के अंदर ऊष्मा की वह कोई भी पदार्थ के अंदर ऊष्मा ग्रहण करने की वह मात्रा जिसको ग्रहण करने के बाद उसका सिर्फ एक डिग्री टेम्परेचर बढ़े। ठीक है, जैसे हो सकता है कोई ऐसा पदार्थ हो जो बहुत सारी ऊष्मा ग्रहण करने के बाद भी अपना तापमान नहीं बढ़ा पा रहा हो, ठीक है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको थोड़ी सी ऊष्मा देते गर्म हो जाते हैं, तो वो पदार्थ कैसा होना चाहिए। अच्छा, यहां पर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो क्या है, मैं यहां पर आपको एक विशेष बात बता दूं कि ये जो इंसुलेटर है ये वातावरण को रेफ्रिजरेटेड स्पेस से अलग करता है। ठीक है, अब इसका तापमान अगर बढ़ जाएगा, इसका तापमान अगर बढ़ जाएगा तो बाकी के चीजों में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि तापमान तो बढ़ाना नहीं है, तापमान तो कम करना है हमें, तापमान तो कम करना है ना, रेफ्रिजरेशन का काम ये क्या है, तापमान को कम करना। तो इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए, भैया ऊष्मा को अवशोषित कर ले, तीसरी बात। अच्छा, एक और विशेष बात है कि यहां पर दबाव का भी चक्कर पड़ता है, यानी कि प्रेशर जो होता है बाहरी प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर का प्रेशर कम होता है, तो दबाव में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को झेल सके, यानी कि इनके अंदर कंप्रेशन शक्ति, यानी पदार्थ के अंदर कंप्रेशन शक्ति तथा तनाव शक्ति अच्छी होनी चाहिए, भाई उसकी स्ट्रेंथ भी तो अच्छी होनी चाहिए, तनाव को झेलने की, कंप्रेशन को झेलने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे दबाव या खिंचाव सहन कर सके, जिससे पदार्थ दबाव या खिंचाव सहन कर सके। समझ में आ रही बात। गुड मॉर्निंग खुशीराम गुज्जर जी। जिससे पदार्थ दबाव या खिंचाव सहन कर सके, दबाव या खिंचाव
सहन कर सके। ये गुण इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। इसमें अच्छा वो एक और बात बता देता हूं, ये टफ होना चाहिए, मतलब आसानी से टूटे नहीं। इसमें इंपैक्ट को बोलता हूं मैं यहां पर, कि इसमें कर्तन यानी शियर यम आघात, आघात आघात का मतलब होता है एकदम से मारना, जिसको हम बोलते हैं इंपैक्ट लोडिंग। जैसे मान लो अचानक से कोई तुमसे टकरा गया तो तुम्हें आघात लगेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई तुम्हें ऐसे धीरे धीरे धक्का दे रहा है, धीरे धीरे धक्का दे रहा है तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर कोई तुमसे उतनी ही जोर से फटाक से टकरा गया एकदम से, तो तुम्हें अचानक से चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आघात होता है, नहीं इंपैक्ट होता है, उसके प्रति प्रतिरोध होना चाहिए। इसमें कर्तन एवं आघात प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, यानी इसके प्रति वो अच्छे से व्यवहार करे, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, जल्दी से इनमें वो टूटे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए कुछ गुणधर्म जो बहुत ही आवश्यक गुणधर्म थे किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल के। इज इट क्लियर? ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशीराम जी। अब बात आती है कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते कितने प्रकार के हैं, उन पर बात कर लेते हैं हम। इंसुलेटिंग मटेरियल के प्रकार, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल के प्रकार, इंसुलेटिंग मटेरियल यानी पदार्थों के प्रकार। Types of insulating material. ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि तीन प्रकार के इंसुलेटिंग मटीरियल होते हैं, तीन प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। फाइब्रस इंसुलेशन होता है, दूसरे प्रकार का सेलुलर, और तीसरे प्रकार का ग्रैनुलर सेलुलर इंसुलेटिंग मटेरियल। और तीसरा होता है ग्रैनुलर इंसुलेटिंग पदार्थ। ठीक है, तो सेलुलर, ग्रैनुलर और फाइब्रस, तीन प्रकार के इंसुलेटिंग पदार्थ हमारे पास होते हैं। ठीक है, फाइब्रस के अंदर क्या होता है, फाइबर बने होते हैं ऐसे पदार्थों के, जो पदार्थ इंसुलेटिंग पदार्थ होते हैं, यानी जो ऊष्मा के चालन को रोकते हैं, ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाने देते हैं। तो फाइबर बनते हैं ऐसे, जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लो एक सीधा पदार्थ की एक लंबी यहां पर फाइबर डाल दिया, ये फाइबर, ये फाइबर, ये फाइबर, ऐसे फाइबर होते हैं, और कुछ तो वर्टिकल हो गए ये, यानी कुछ लंबवत फाइबर हो गए,
और कुछ इनके साथ ही जुड़े हुए ऐसे हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज फाइबर होते हैं, ये क्षैतिज फाइबर होते हैं। इस प्रकार का जो बनता है मटेरियल इन फाइबर की ज्वाइनिंग से, ठीक है ना, इन फाइबर की ज्वाइनिंग से बनने वाला मटेरियल क्या कहलाता है, फाइब्रस इंसुलेशन मटेरियल कहलाता है। अब ध्यान से देखना, इसमें आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये फाइबर एक दूसरे से अटैच नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लॉज है, इनमें कुछ एयर गैप है ही नहीं, यहां पर एयर गैप है, इसके अंदर क्या है, एयर गैप है यानी हवा है, लेकिन वो हवा स्थिर है। स्थिर हवा का मतलब समझ रहे हो, वो हवा बह नहीं रही है। स्थिर हवा क्या करेगी, देखो अगर कोई धातु और कोई मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल होता है तो वो कोई सा भी मटेरियल हो, लेकिन वो 100% तो कुचालक नहीं हो सकता, ऊष्मा का कुछ तो ऊष्मा वो ट्रांसफर करेगा, और जो सॉलिड होता है यानी कि जो ठोस होता है वो ऊष्मा का चालन ज्यादा अच्छे से करता है, लेकिन यहां पर क्योंकि वहां पर चालन से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, हवा के अंदर क्या होता है, संवहन से होता है, और संवहन स्लो प्रोसेस है, यानी यहां पर ऊष्मा बहुत देर से ट्रांसफर होगी, और उसमें भी अगर हवा चल नहीं रही, बह नहीं रही है, मतलब हवा का क्या है, जैसे मान लो एक कण ने ऊष्मा ले ली, अब ये कण अपनी ऊष्मा को लेकर यहां पहुंचेगा, तब जाकर ये यहां पर उपस्थित दूसरे कण को ये ऊष्मा दे सकता है, लेकिन इसने ऊष्मा तो ले ली और लेने के बाद ये यहीं पड़ा है, तो क्या ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है क्या, नहीं। तो इस प्रकार क्या है, यहां पर जो हवा है वो स्थिर है, तो इनके बीच में जो हवा का गैप छोड़ा जाता है वो जानबूझकर छोड़ा जाता है ताकि ऊष्मा का चालन कम से कम हो सके और बाहर की ऊष्मा रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर एंट्री ना मार सके, ठीक है। ये ऐसे होते हैं फाइबरस, ठीक है। तो इनके विषय में हम लिख लेते हैं, ठीक है, फाइबरस के विषय में लिख लेते हैं हम, फाइब्रस इंसुलेटिंग पदार्थ, ठीक है। फाइब्रस क्या होता है, यह अल्प व्यास के फाइबर होते हैं, अल्प व्यास युक्त फाइबर होते हैं, फाइबर मतलब होता है हिंदी में रेशे, तो रेशे क्या होगा, जैसे कपड़े के अंदर धागे का रेशा होता है वैसे यहां पर फाइबर होंगे, ठीक है ना, जिनके बीच जिनकी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर व्यवस्था के बीच हवा युक्त खाली स्थान जिनको बोलेंगे हम एयर स्पेस, हवा युक्त खाली स्थान होते हैं जो थर्मल इंसुलेशन को और अधिक दक्ष कर देते हैं, थर्मल इंसुलेशन को और अधिक दक्ष कर देते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं और इनके बीच में एयर स्पेस होती है, ठीक है।
यार आप सब लोगों से ना एक निवेदन है कि आप आए अगर तो शांति से, थोड़ा नीचे होकर आए क्योंकि सामने लाइव क्लास चल रही है। अब ऐसे बार बार जैसे अभी ये आए, अभी एक और आएगा, अभी तीसरा और आएगा, फिर आपको उठ के पानी पीने जाना है, अंदर बात करने जाना है, तो क्लास डिस्टर्ब होती है। आपकी क्लास 8 बजे है, तो या तो अगर आपसे हो सके तो बाहर वेट कर लें, और अगर नहीं होता तो शांति से आकर बैठ जाए। ऐसे इधर उधर बार बार ना करें, इधर उधर बार बार करने से डिस्टर्ब होता है क्योंकि आप सीधे बोर्ड के सामने आते हो। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था, यहां पर इंसुलेटिंग फाइबर की बात कर रहा था, फाइबरस इंसुलेशन के बारे में। तो फाइबरस इंसुलेशन में फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, और उन रेशों के बीच में जो एयर गैप होता है, उस एयर गैप का ये उसके अंदर योगदान होता है कि वो ऊष्मा के स्थानांतरण को और ज्यादा धीमा कर देता है, स्लो कर देता है, और बहुत अच्छे से ये कार्य कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो रेशे होते हैं, यह रेशे, ये रेशे ऐसे पदार्थ से बने होते हैं, ऐसे पदार्थों से बने होते हैं, बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब वो ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, कुचालक होते हैं, यानी ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रांसफर स्थानांतरण नहीं होने देंगे। जैसे क्या है, इसमें सिंपल सिलिका है, जैसे इसके एग्जांपल लिखता हूं कौन कौन से पदार्थ हैं, जैसे सिंपल सिलिका, जैसे एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया, ठीक है ना, रॉक वूल, रॉक वूल हो गया, और पॉलीयूरेथीन होता है, बस इतना ही है, पॉलीयूरेथीन होता है, पॉलीयूरेथीन फॉर्म होते हैं पॉलीयूरेथीन के, तो पॉलीयूरेथीन आदि इन पदार्थों के बने होते हैं ये रेशे। ये क्या होते हैं, इसके ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, अब सामान्यतः ये अकार्बनिक होते हैं, समय आप लोगों का हो चुका है, तो अपन बात इनके बारे में बाद में करेंगे। अब अगली क्लास के अंदर हम जो दूसरे दो बचे हमें, सेलुलर और ग्रैनुलर इंसुलेटिंग मटेरियल, ये किस प्रकार के होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन पर अपन बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इनको रिवाइज कीजिए और इन पर बनने वाले कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए।